हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं सोमी के मी ए टू के मिलने वाले एंड्रॉइड 10 अपडेट, उसके फीचर, उसकी फाइल साइज, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आप लोग सोमी के मी ए टू के यूजर्स हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको तभी पता चल पाएगा कि इस सोमी के मी ए टू में क्या नया फीचर्स देखने को मिलेगा और इस एंड्रॉइड 10 अपडेट्स किन यूजर्स को दिया जा रहा है। दोस्तों अब कब तक आप सभी को भी अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है मी ए टू से लेकर। तो दोस्तों आप सोमी के मी ए टू के यूजर्स हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर सोमी के मी ए टू के यूजर्स हो, नहीं हो तो उन दोस्तों पर शेयर कर दीजिए जो सोमी के मी ए टू को यूज करते हैं। तो सोमी के मी ए टू को एंड्रॉइड 10 का अपडेट्स जारी कर दिया गया है। ये दोस्तों केवल इंडियन और दोस्तों केवल दूसरे यूजर्स के लिए नहीं, दोस्तों यह पूरी तरह ग्लोबली जारी कर दिया गया है। ये ओटीओ के थ्रू अपडेट दिया जा रहा है। वैसे दोस्तों बता दूं कि आप लोग के लिए जानकारी के लिए अभी कुछ चुनिंदा यूजर्स को लिए अभी मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों इससे टेस्टिंग किया जा रहा है कहीं कोई ग्लिच तो नहीं पाया जा रहा है इस अपडेट्स में। इस अपडेट्स में कोई ग्लिच पाया जाएगा तो इस अपडेट्स को भी इसी वक्त रोक दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। फिलहाल दोस्तों अभी बहुत से यूजर्स को अपडेट्स अभी तक ओटीओ थ्रू मिल चुका है, अभी तक कोई ग्लिच देखने को नहीं मिला है। फिलहाल दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। इसकी फाइल साइज की बात करें तो 1.3 GB की फाइल साइज दी गई है, जो दोस्तों काफी एक बड़ी फाइल साइज है फाइल साइज में माने तो। वही दोस्तों आपको सोच रहे होंगे ये ओटीओ थ्रू अपडेट्स दिया जा रहा है तो ये अपडेट्स अभी तक आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों बता दूं कि जो मैंने बोला कि कुछ चुनिंदा यूजर्स को ओटीओ थ्रू अपडेट्स मिल रहा है, अभी तक आपको अपडेट्स नहीं मिला है और नहीं मिलेगा ओटीओ अपडेट्स तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। दोस्तों कुछ अगर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें आपको लिंक लेकर आ जाऊंगा, उसमें लिंक से आप लोग अपडेट कर सकते हैं। वैसे बात करते हैं दोस्तों इसके नए फीचर्स देखने को, क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिलेगा। इसमें चेंजेस तो बहुत सारी की जा रही है। जैसे दोस्तों सबसे अच्छे चेंजेस इसमें देखने को मिले थीम्स आइकन, और वही दोस्तों आपको नोटिफिकेशन बार में भी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से दोस्तों बहुत सारे इसमें स्टेबिलाइजेशन कर दिया जा रहा है, सेटिंग में स्टेबिलाइजेशन कर जा रहा है, कुछ बग्स को फिक्स किए जा रहे हैं इस अपडेट्स के माध्यम से। वही देखते हैं दोस्तों सब कुछ नया इसमें देखने को इंप्रूवमेंट मिलेगा। वही दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके अभी तक एंड्रॉइड 10 का अपडेट किसको किसको मिल चुका है और मी यूज कर रहे हो तो आप लोग दोस्तों कहां के यूजर्स हो और दोस्तों कितने समय से यूज कर रहे हो हमें कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। अभी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच की बात करें दोस्तों आपके डिवाइस में कौन सी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच चल रहा है अभी कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सोमी के मी ए टू से रिलेटेड सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करके कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहां से रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।